मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किया गया राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष मनोनीत। नीति आयोग की हाल ही में हुई बैठक के बाद हुआ फैसला। समिति में बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे सदस्य। सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर और राजगढ़ दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में चल रही हैं। 23 जून को इंदौर और राजगढ़ जिले में कई कार्यक्रमों में लेंगे पीएम हिस्सा। राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति ऑनलाइन के माध्यम से की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राजस्व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने राजधानी में सांसद शिक्षा योजना आलोक प्रतिज्ञा का किया शुभारंभ। योजना के जरिए 100 चयनित युवाओं को मिलेगा सिविल सर्विस परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करने का मौका। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर। 21 जून को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर होंगे योग दिवस के कार्यक्रम। सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यक्रमों के संबंध में जारी किए निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भिंड जिले की विभिन्न आंगनबाड़ियों का किया निरीक्षण। बच्चों की पोषण आहार व्यवस्था के लिए जानकारी। स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ जिले के पपोरा में किया कन्या आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। जैन संत आचार्य विद्यासागर से भेंट कर लिया आशीर्वाद। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने राजधानी के सैर सपाटा में विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। शहर के जवाहर चौक के पास सड़क निर्माण की भी रखी आधारशिला। सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का विकास यात्रा के दौरान किया निरीक्षण। जर्जर सड़कों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश। रहवासियों से मिलकर सुनी समस्याएं। प्रदेश में 24 जून के बाद ही मॉनसून की दस्तक के आसार। मॉनसून छत्तीसगढ़ से आगे चलकर जबलपुर की तरफ से कर सकता है प्रदेश में प्रवेश। जुलाई में तेज बारिश की संभावना। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिल्ली में किया 23वें यूरोपीय संघ फिल्म समारोह का उद्घाटन। समारोह में 23 देशों की 2 दर्जन चयनित फिल्मों का होगा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिए 13 बैंक प्रमुखों से कर रहे हैं मुलाकात। वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए जाने के बाद ये वित्त मंत्री की होगी बैंक प्रमुखों से पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को लेकर दिया देशवासियों को संदेश। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योग को अपनाने का किया आह्वान। कहा विश्व भर में योग को अपनाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। फीफा वर्ल्ड कप में सोमवार को हुए मुकाबले में बेल्जियम और स्वीडन की टीमों ने दर्ज की जीत। बेल्जियम ने पनामा को 3-0 से तो स्वीडन ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से दी शिकस्त। और मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 4 खिलाड़ियों का जूनियर एशियन प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। ये खिलाड़ी 25 जून से कोरिया में होने वाली स्पर्धा में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व।